चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल एक ईमेल के जरिए आया है। करुणा रहांगडाले लिखते हैं कि हम मुंबई में एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं विरार ग्लोबल सिटी में, और उनका बजट जो है वो 35 लाख का है। अच्छी लोकेशन है क्या ये? और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं तो 5 साल तक का नजरिया रख रहे हैं, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं क्या ये एक अच्छी लोकेशन है या नहीं। बिल्कुल करुणा जी, आपका टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी हेल्दी है। मुंबई मार्केट्स में इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। विरार की बात करें तो विरार एक अफोर्डेबल मार्केट सेगमेंट है, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हब माना जाता है। काफ़ी बड़े नामी डेवलपर्स यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है इसीलिए लोग इसे रिहाइश के लिए पसंद करते हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। विरार वेस्ट के अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 82 है विरार वेस्ट में। टोटल सप्लाई 13,450 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 5,640 है, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 24 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे है, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के निवेशकों को मिले हैं करीब 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं इस क्षेत्र में। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने विरार वेस्ट में रुस्तमजी बिल्डर्स का ग्लोबल सिटी एवेन्यू जे प्रोजेक्ट चुना है। 7,920 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की कार्पेट एरिया प्राइसिंग पे ये आपको डेवलपर से मिल रहा है। 2014 में रेडी हो गया था 1 BHK की 439 स्क्वायर फुट की कार्पेट एरिया यूनिट आपके बजट के भीतर है। प्रोजेक्ट 217 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है, जिसमें कई डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। रुस्तम जी ने अपने लैंड एरिया को डिवाइड किया हुआ है एवेन्यूज के फॉर्म में। अब तक 4 एवेन्यूज डेवलप हुए हैं, कुल मिला के 141 बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी हैं, और कई लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। काफ़ी एंड्यूज के लिए पसंद किया जाता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपने चुना है एवेन्यू जे। इसमें करीब 63 विंग्स हैं, ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें भी ये भी रेडी है और काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई हो चुका है। पूरी टाउनशिप के भीतर 3 स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिहाइश की काफ़ी सुविधाएं हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमारी राय में एक रेडी प्रॉपर्टी है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क तो है नहीं, आप ज़रूर इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। सबसे पहला है विरार वेस्ट में भूमि ग्रुप एंड आर्केड ग्रुप का एक्रोपोलिस फेज 3, जो आप 4,899 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2016 में रेडी हो रहा है। 1 BHK की 545 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये 3 फेजेस में बनाया जा रहा है। करीब 15 टावर्स बनाए जाएंगे इसके भीतर, हर फेज के 5 टावर्स होंगे, और तीनों फेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम पे। ये 2.5 किलोमीटर दूर है विरार रेलवे स्टेशन से। दूसरी राय भी विरार वेस्ट में एकता वर्ल्ड का एकता पार्क्स विले, जो आप 4,890 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। 1 BHK की 648 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। इसमें भी 5 फेजेस हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के भीतर। ये बाईपास रोड पे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, 2.5 किलोमीटर दूर है विरार रेलवे स्टेशन से, और इसमें भी दोनों प्रोजेक्ट्स आपको प्राइस एडवांटेज के साथ मिल रहे हैं। तो नोट कर लीजिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक्रोपोलिस फेज 3 है भूमि ग्रुप एंड आर्केड ग्रुप की तरफ से, और एकता पार्कविल है एकता वर्ल्ड की तरफ से। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद क्या पुणे के बाजार में जान डाल पाएगा पिंपरी चिंचवड़।